मैं खाना खाने के लिए बैठ चुका हूँ और साथ में जितने भी मेरे मामा लोग हैं सभी लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है मंतोष मामा का आशीर्वाद लड़की वालों के घर से। सभी लोग आने वाले हैं। 10 बजे का टाइम था, अभी 10 से तो ज़्यादा बज रहा है, अभी 10:20 हो रहे हैं और दूल्हे राजा बस अभी तैयार होने वाला है। देखिए, नाव आके भी तैयार हो जाएगा। मौसा जी तो फुल रेडी होके बैठे हैं। कैसे हो मौसा जी? बढ़िया बढ़िया। मेरे सब्सक्राइबर्स को एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। कल न्यू ईयर था, हैप्पी न्यू ईयर तो चला गया। कल था मंतोष का एंगेजमेंट बोल देना। हाँ, तो प्रणव मामा भी इधर आ गए। देखिए सभी लोग अभी तैयार, बच्चे पार्टी यहाँ पे। देखिए मोबाइल देख रहे हैं सभी लोग। हम अभी ऊपर के फ्लोर में है, नीचे के फ्लोर में पूरा काम, जो भी खाना बनाना जो भी है सभी का अभी मतलब खाना बनाना भी चालू है। यहाँ लोग एक मोबाइल में तीन जन एक साथ देख रहे हैं। और ये प्रवीण मामा ए पागल, तू वीडियो डाल बता रहा कल के, तो वीडियो तो डाल बता रहा। खाना बनाने का सिस्टम जो भी है, पूरे 200-300 लोगों का खाना है, तो वो लोगों का खाना अभी शायद से बन के रेडी हो चुका है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी सभी लोग खाना खा रहे थे, तो सभी का खाना अभी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी शायद फिश बनना बाकी है। तो चलो देखता हूँ ऊपर से दिखता है कि नहीं। हाँ, वो देखिए वहाँ पर फिश बनना चालू है। मैं अभी आपको एक बार नीचे से जाकर दिखा देता हूँ पूरा। ये ऐसा है देखिए गांव का व्यू। वो सामने में मामा का रिसेप्शन के दिन वहाँ पर स्टेज लगने वाला है, और इधर खाने का मतलब दिखाऊंगा मैं आगे जाके सब कुछ। और यहाँ पर पैंडल लगा हुआ है, इधर भी पैंडल लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए पूरा बनाने का अरेंजमेंट चालू है। टमाटर वगैरह सब कुछ यहाँ कट रहा है, मच्छी भी बन रही है। यूट्यूब है सर, वो यूट्यूब है तुम्हारा मांस बना से शायद हाथ से। देखिए मच्छी, इधर भी मच्छी, इधर फ्राई हो रहा है, इधर भी फ्राई हो गया, इधर आलू, ये देखिए मच्छी, अभी मच्छी की मुंडी है ये, और ये मच्छी के पीसेस इधर फ्राई हो रहा है। तो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ मेरे नानी के घर पे, और यहाँ पर मैं तैयार होने के लिए आया हूँ। वहाँ पर सभी लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। मैं यहाँ पे, मेरे ड्रेसेस यहाँ है, मेरी मम्मी भी अभी आई है, लेकिन मंतोष मामा के घर पे है, ये मेरे नानी का घर है। तो अभी जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, फिर नहा धो के तैयार होके जाते हैं मंतोष मामा के घर पे। लड़की वाले निकल गए, 15-20 हो चुका है। फिलहाल गाइस मैं अभी रेडी हो गया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा वो सिनेमेटिक शॉट्स में बनाता हूँ ना, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, क्योंकि अभी थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ। लड़की वाले आ चुके हैं और मैं तो रेडी हो गया मस्त। अभी मामा का बार बार फ़ोन आ रहा था, और ये पंखे फ़ैन ये लोग, इसका अगर आपको आवाज़ आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन एक चीज़ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाहर गाइस इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप थोड़ी थोड़ी है लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि बोल ही नहीं सकता। मामा के घर में तो और डबल गर्मी, पागल हो जाएगा इंसान इस बार गर्मी के। अब शादी में क्या होगा वो तो शादी के दिन ही पता चलेगा। चलते हैं अभी मामा के घर पे, आ चुके लड़की वाले, देखते हैं वो आ जाके क्या चालू है। तो मंतोष मामा की गाड़ी मैं लेके आया था, यहाँ से बस कुछ कदमों की दूरी पे ही मंतोष मामा का घर है। ये रहा मेरे नानी का घर, बहुत लंबा है, यहाँ से लेके ये घर, ये बीच में एक घर, वो साइड में और एक घर है, बहुत लंबा घर है। चलते हैं अभी। तो गाइस मैं अभी पहुँच गया हूँ मंतोष मामा के घर पे। ये रहा सामने मंतोष मामा का घर, डबल मंजिले का, और मेहमान भी आ चुके हैं। तो गाइज अभी बाहर में मेहमान लोग आ चुके हैं, यहाँ में नाश्ते का प्लेट मामा लोग जल्दी से जल्दी तैयार कर रहे हैं। मामा जल्दी जल्दी, चार प्लेट
अरे ओगे जो नहीं तो याद दिस नहीं थे। तो और बाकी सभी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। ये है मौसी जी और ये बड़ी मौसी और ये नानी, ये मौसा, ये इसे ये मामी भी तैयार हो गई है। सभी लोग तैयार हो गए। बोलो बोल। ये नानी, नानी भी एकदम हीरोइन लग रही है। तैयार हो गई है नानी। दाद दे, दाद दे, दाद दे, दाद दे। तो देखिए दोस्तों, इसका दांत गिर गया है। यहाँ पर एक खिड़की बन गई है। अब दूसरा दांत तोड़ दूँ क्या? नाश्ते का प्लेट मेहमान लोगों को देके आ गए। अभी हम देंगे स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक्स। तो गाइस यहाँ पर सभी लोग देखिए बातचीत कर रहे हैं। मामा, मामी, मौसा और ये दूल्हे राजा सभी लोग। अभी मामा का एंगेजमेंट यहाँ पर घर के अंदर होने वाला है। बाहर का प्रोग्राम जो मैंने दिखाया वो कंप्लीट हो गया। अभी घर के अंदर कैसे कूलर लगा है ना, तो ठंडा लगेगा सभी को। बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बोलूँ। देखो बहुत ज़्यादा धूप है आज बाहर में। और सभी लोग, हमारी फैमिली बस यहाँ पर अभी हंसी मजाक बातचीत चल रही है। बाकी जो फैमिली लड़की वालों की तरफ से आए वो घर के बाहर बैठे हुए, अभी आएंगे थोड़ी देर में अंदर। मामा देखिए, मामा का मुंह कैसा लग रहा है दो तीन दिन से, बोलते ही बंद हो गया मामा का। गाइस देखिए अभी यहाँ पर सभी लोग जमा हो गए हैं और अभी रूम के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस देखिए अभी बाहर खाना पीने का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ चल रहा है पूरा खाना वाना। A few moments later. तो गाइस अभी प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं खाना खाने के लिए बैठ चुका हूँ और साथ में जितने भी मेरे मामा लोग हैं सभी लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। दूल्हा भी साथ में बैठ चुका है खाना खाने के लिए। लाइन से जितने भी दिख रहा है लास्ट तक सभी लोग मेरे मामा हैं। तो गाइज अभी फाइनली पूरा एंगेजमेंट का प्रोग्राम जो कुछ भी था वो हो चुका है कंप्लीट। लेकिन सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हुई थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। एकदम कड़क वाला धूप था आज, बहुत गर्म हो रहा था। और सभी कैसे सज धज के अच्छे कपड़े लगाए हुए थे ना, गर्म हो रहा था। और तो जीन्स पैंट पहन के लोग भी बहुत ज़्यादा आए थे ना। 200-300 लोगों का खाना था, अरेंजमेंट था। तो सोचो लोग, आप तो वीडियो देखे होंगे कितने सारे लोग थे। तो वही गर्मी की वजह से पूरा हाल बेहाल हो गया था। मैं तो आज 2 बार नहाया। व्लॉग भी शूट करने की इच्छा नहीं हो रही थी। सिर्फ हम एक तो काम में बिजी थे, गर्मी के कारण इधर उधर भाग रहे थे, छाँव में बैठे हुए थे, मेहमान लोग इतने सारे थे, सभी से बातचीत कर रहे थे। तो गाइस फिर भी प्रोग्राम बहुत मस्त हुआ लास्ट तक। अभी शादी का वेट है। 18 तारीख को शादी है, 20 तारीख को रिसेप्शन है। तो ये 2 दिन तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इतने दिन मैं गाँव में ही रहूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ मामा के घर पर। तो चलते हैं अभी मामा के घर पर, मंतोष मामा के घर पर। अभी मैं नानी के घर पर सोया हुआ था। तो फिलहाल तो गाइस अभी मैं मामा के घर पे आ चुका हूँ। अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है। अभी एकदम लास्ट बैठक है, लास्ट। और यहाँ पर देखिए अभी अंदर में नहीं दिख रहा हूँ, रुको एक सेकंड। जितने भी लोग आए थे सभी लोग अभी चले गए। लास्ट का बैठक हो चुका है, मामा जी अभी बांट रहे हैं। मैं भी अभी खाना खाने के लिए बैठ जाऊँगा क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है खाना खाने के लिए। 9 बज रहे हैं शायद से। मंतोष मामा भी पीछे है। तो तुषार मामा के साइड में मैं अभी बैठूँगा खाना खाने के लिए। और देखो मेरी थाली भी लग चुकी है। फिलहाल तो गाइस अभी खाना वाना कंप्लीट हो गया है। और देखिए अभी कोई भी नहीं है, पूरा टेबल भी उठा दिए। मस्त पेट भर के खाना हुआ। बहुत देर से हम खाना खा रहे थे, पेट भर के खाना हुआ। और सब्जी में था आज मच्छी की सब्जी, दाल और एक कुछ तो भी एक भाजी थी, मिक्स भाजी थी, हाँ बटाना की भाजी थी। और मच्छी था, मच्छी का रसा था, मच्छी फ्राई भी था। मामा जी बहुत मेहनत किए सही में, ये मामा को सैल्यूट है। जितने भी हमारे मामा के दोस्त लोग आए थे सभी मामे से, हमारे ये वाले मामा बहुत ज़्यादा मेहनत किए। एकदम सुबह से लेके एकदम अभी तो रात हो गई है, कम से कम 10 बज रहे हैं अभी। 10 बजे तक फुल मेहनत किए। तो अभी गाइस पान खाते खाते मैं जा रहा हूँ अभी नानी के घर पर सोने के लिए। तो ठीक है गाइस, अभी ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा। नए लोग अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और सभी लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।